आप बस एक घंटा दो हमें भाई, हम सारा सामान लेकर आ रहे हैं। चलो अमर जी। I'm so happy यार कि तुम अपना काम छोड़कर हमारी बारबेक्यू पार्टी को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। तुम देखना, एक दिन हम इस दुनिया के बेस्ट हस्बैंड वाइफ होंगे। तनु बेटा इधर आना। जी मॉम आई। मैं अभी आती हूँ। क्या तनु सच कह रही है? यप, आजकल मैं थोड़ा खुश रहने लग गया हूँ, शांत रहने लग गया, इसलिए उसे ऐसा लग रहा होगा। एक तो ये जब से रॉकी घर पे आया, दिल को एक अजीब सा सुकून मिल गया, बहुत पॉजिटिव सा लगता है। लेकिन मैंने पहले ऐसा कभी फील नहीं किया। वो भी एक लड़के के लिए। लड़कों के हिसाब से तेरे हाथ कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट नहीं? नो 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 नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब भी इस रॉकी को देखता हूँ मुझे फालतू की याद क्यों आती है? फालतू आज मेरे सामने थी फिर भी मैं उस तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन अब जब मैं जानता हूँ कि वो मुंबई में है तो मैं शांत कैसे बैठ जाऊं? कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो। जी सर। मैच अभी भी चल रहा है, तुम वहां पहुंचकर फालतू पे नजर रख सकते हो। और मुझे सब कुछ जानना है, वो कहाँ रहती है, किसके साथ रहती है, कहाँ जाती है, एवरीथिंग। जी सर, मैं अभी निकलता हूँ। शाम होने वाली है, मुझे कुछ भी करके मित्तल हाउस पहुंचना होगा। और ये है कि टुक-टुक किए जा रहा है, आउट होने का नाम ही ना ले रहा। आनंद चौर टीम को इस मैच को जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा खेला आज तुमने। धन्यवाद सर जी। आज मसीहा बन के मैदान में उतरी फालतू सिंह, उन्होंने एक शानदार पारी खेली, 39 बॉलों में 75 रन बनाए। ऐसी धुआंधार पारी खेलने का मौका हमारे दर्शकों को बहुत दिनों के बाद मिला। बात है, अच्छा हुआ जो तुमने ये प्लान बनाया। अयान के हाथ का बना हुआ बारबेक्यू बहुत दिनों बाद खाने को मिलेगा। बारबेक्यू में अयु का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। वैसे तुम्हारा कुक रॉकी नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है वो? छुट्टी दे दी उसे? नहीं बाबा, वो अपने फ्रेंड्स के साथ होली मनाने के लिए गया है, बस आता ही होगा। नहीं बस उसे होली मनाने दो। हाँ, जब देखो वो चलता रहता है, कूदता रहता है, उसे अयान के बारबेक्यू से दूर रखना बस। ऐसे बहुत शांति महसूस कर रहा हूँ मैं उसके बिना। डोंट वरी बाबा, आज बारबेक्यू सिर्फ अयान ही बनाएगा, बाकी हम सब तो खड़े होकर से देखेंगे। से माँ, माँ हाँ, वो उनको एक घंटा लगेगा, तभी बात हुई थी मेरी।
अच्छा तनु, आज हम लोग ये रूखा सूखा बार्बेक्यू ही करने वाले हैं या कुछ यंग फन भी? मतलब बार्बेक्यू के बाद कुछ गेम्स वेम्स खेलते हैं यार, कुछ फन करते हैं। गुड आइडिया ब्रो। वैसे भी इन बड़ों के साथ रहके हमें बस खाना ही खाना होगा, पीने का क्या, इसलिए हम गेम खेल के सारा फन करते हैं, मजा आएगा। आइडिया तो अच्छा है, पर हम क्या गेम्स खेलेंगे? हम तो सारे गेम्स खेल चुके हैं। तनु, भी बहुत सारे गेम्स खेलने बाकी हैं। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस रात के मजे लेने के लिए रेडी रहो। हेलो, हाँ कुछ पता चला? सॉरी सर, मैं पता नहीं कर पाया सर, मैं बिल्कुल उनके पीछे ही जा रहा था, पर फिर पता नहीं अचानक वो लोग कहाँ गायब हो गए। गायब कैसे हो सकती है वो? हाँ सर, वो लोग बहुत जल्दी में थे और एकदम से निकल गए। तुम मेरे लिए खुद को ढूंढना इतना मुश्किल क्यों कर रही हो फालतू? क्यों? माँ, माँ, हम कब से आपका वेट कर रहे थे, कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत बढ़िया। दादी, चाचू, आप लोग कब आए? बस अभी, जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा आयान आज बार्बेक्यू बना रहा है, तो बस सब छोड़ के मैं तुरंत आ गई। चल, अब ऐसे ही गले लग के खड़ा रहेगा कि अपने हाथ का बनाया हुआ कबाब भी खिलाएगा? आज का पहला कबाब आप खाओगे। हुँ? अभी लाए। बस मुझसे और खाया नहीं जा रहा, सांस लेने की जगह भी नहीं है, मतलब अब ये सारा कुछ डाइजेस्ट करने के लिए वॉक पे जाना होगा। मैं काम करती हूँ, मैं भी आपके साथ वॉक पे चलती हूँ। नहीं 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 नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैंने आप लोगों के लिए ऐसा गेम सोचा है जिससे जितना भी आप लोगों ने खाया ना, सब कुछ हजम हो जाएगा। अमर जी, आप प्लीज अंदर गेम सेटअप कर देंगे। अरे, इस पहाड़ का क्या करना है? इसी से तो गेम खेलना है दादी। इस गेम का नाम है मिशन मोहब्बत। गेम बहुत सिंपल है, ये ब्लॉक्स है। हर कपल को इसमें से एक ब्लॉक निकालना है, जिस ब्लॉक के पीछे एक नंबर लिखा हुआ है। उस नंबर के हिसाब से इस बोल में से एक चिट निकाला जाएगा और जो चिट पे टास्क होगा वो आप लोगों को करना होगा। और एक और खास बात, अगर ब्लॉक निकालते वक्त ये टार गिर गया तो आप लोग को टास्क नहीं, पनिशमेंट मिलेगा। वो तो ठीक है सीट, लेकिन एक बात बताना, इस गेम का नाम मिशन मोहब्बत ही क्यों है? क्योंकि इसमें जो मिशंस हैं, यानी टास्क्स हैं, वो रोमांटिक हैं, तो उसको आपको मोहब्बत के साथ मुकम्मल करना है। सिर, क्या है ये सब? ये उम्र है हमारी मिशन मोहब्बत गेम खेलने की? अरे, ये गेम खेलना पड़ेगा, दैट इज फाइनल। दैट्स करेक्ट, बट दिस इज नॉट फेयर। आपको सारे कपल गेम्स तभी क्यों खेलने होते हैं जब मेरा पार्टनर मेरे साथ नहीं है? हाँ यार, मैं भी बहुत थक गया हूँ, होली एंड एवरीथिंग। आप लोग खेलिए, मैं गेम नहीं खेलूंगा। अरे यार, ये क्या बात हुई? जिसका पार्टनर यहाँ पर नहीं है वो रो रहा है, जिसका पार्टनर यहाँ पर है वो होली खेल के थक गया है। वैसे भाई, तुम्हारे काउंसलर ने भी तुम्हें ऐसे गेम्स खेलने के लिए बोला है ना? तनु, समझाओ ना। अयान, मान जाओ ना, कितना इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत मजा आएगा। अरे देखो भाई, या तो सब खेलेंगे या तो कोई नहीं खेलेगा। एग्जैक्टली। ये सब क्या चक्कर है, क्या ड्रामा है? सुबह तो तू सड़ा हुआ बैठा था, अब ये गेम वेम का क्या चक्कर है? मम्मा, देखते जाओ, गेम तो सब लोग खेलेंगे, पर अयान कैसे खेलता है हमें उस पर नजर रखनी है। अब देखो ना, अभी तक बस मैंने इतना बताया कि टास्क रोमांटिक होने वाले हैं। देखो, उसके चेहरे का रंग उड़ गया है। देखो, टास्क जो भी आए, लेकिन अयान तनु के साथ वो करने में कैसे अनकंफर्टेबल फील करेगा, उससे तनु को ये पता चल जाएगा कि वो जिस थेरेपी के लिए इतनी एक्साइटेड थी वो वर्क नहीं कर रही है। आयान अभी भी उससे उतना ही दूर है जितना कल था। सुपर आइडिया।
क्या हो रहा है पब्लिक, कोई गेम खेला जा रहा है क्या? अभी तक पार्टी ना खत्म हुई तुम लोगों की। हाँ हाँ पार्टी हो रही थी पर तुमने मिस कर दी रॉकी। अरे अयान ने क्या बारबेक्यू बनाया था, क्या स्वाद था, क्या कबाब थे। तुम्हें भी बीट कर दिया है उसने। अच्छा, अरे वाजी वाह, अब अयान जी हर चीज में इतने अच्छे हैं तो इस चीज में भी मेरे से तो अच्छे ही होंगे। क्यों, क्या हो गया इनको, इनका ऐसे भरते जैसा मुंह क्यों बना हुआ है? वो अयान गेम को लेके थोड़ा नर्वस है। अरे रे ऊप्स, अब इतना अच्छा खाना बनाकर सबका पेट भर दिया और गेम खेलने में घबरा रहे। अरे अपना मन लगाकर गेम खेलो, जीतो तो जीते नहीं तो जय बजरंगबली की, उनकी मर्जी मानकर आगे बढ़ो, इतना माथा पच्ची क्यों करने का। ओके तो गेम को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला कपल है वो है बड़े पापा और बड़ी माँ। तो आपको अपने पार्टनर को घुटनों पर बैठ के गुलाब के फूल के साथ प्रपोज करना है। ये क्या बात हुई, मैंने अपने जमाने में ये सब नहीं किया है, अब जाके कहाँ करूंगा ये सब। बड़े पापा रूल्स रूल्स होते हैं, आपको बड़ी माँ को प्रपोज करना पड़ेगा घुटने पे बैठ के बस। अरे जिंदगी तुझे दूसरा मौका दे रही है जनार्दन, तब ने किया तो अब कर। अरे तेरे बच्चों की माँ है, सारी उम्र ऐसे सड़ू और खड़ूस बने रहेगा क्या? माँ अमर जी फूल आइए। अब नेक्स्ट कपल है हमारे हर्ष चाचू और चाची। आपको अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक गाने पे रोमांटिक सा डांस करना है। अरे तो ठीक है फिर, अब की बार बॉलीवुड रोमांस भी हो ही जाए। नहीं नहीं हर्ष, ऐसे कैसे, सब लोग हैं यहाँ और माँ भी तो है। आप शायद भूल गए, आपकी शादी दादी ने ही करवाई। कम ऑन चाची, अभी पापा ने भी तो किया। जिस माँ से तू शर्मा रही है ना, उसने खुद अपने टाइम पे ये सब किया है। और कुमकुम, आज तुम्हारी शर्म की वजह से ना ये हर्षवर्धन मित्तल ना हार नहीं मानने वाला है। तुम क्या चाहती हो, सब लोग ये बोले कि हम लोग बूढ़े हो गए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक तो है करें। नेक्स्ट डैड मॉम। देखो क्या है ना कि वो बारबेक्यू की वजह से मैंने कुछ ज्यादा खा लिया है, सो मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, सो प्लीज मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे रहने दो प्लीज, सॉरी सुमित्रा। अरे क्या गोवर्धन, हमेशा खाते रहेगा कि कुछ और भी करेगा तू? आज छोड़ दो, अगली बार पक्का सामने से करूंगा, डन। ओके ओके ठीक है, नेक्स्ट कपल है भाई और तनु। आपको अपने पार्टनर के गाल पर किस करना है? कमॉन अयान, तनु के गाल पे किस करके गेम खत्म करो, कमॉन। अरे खड़ा क्या है, जाकर किस करना, तेरी बीवी है, क्यों शर्मा रहा है भाई? चल बतिये।
I'm sorry. मुझे सब नहीं होता। आयान, यार ये आयान भाई भी ना, शादी को इतना टाइम हो गया फिर भी एक किस करने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो पाए। आई एम रियली सॉरी तनु, मुझे लगा थेरेपी वर्क कर रही होगी इसलिए किस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर आप सब तो जानते हैं ना कि आयान कितना शाय फील करता है और ये सब गेम में वो कंफर्टेबल नहीं है। एनीवेज इस गेम के विनर हुए हर्ष चाचू और कुमकुम चाची। थैंक यू। मैं आयान को देखकर आती हूँ। मार्ट साहब और तनीषा जी की शादी तो दोनों की मर्जी से हुई थी ना, फिर इन दोनों के बीच इन दूरियों का मतलब क्या है? जब मार्ट साहब ने मारे से सिंदूर के बारे में पूछा तब जो मैंने उनकी आंखों में देखा था, कहीं वो सच तो ना है? अरे ये कैसे हो सके? ये बिल्कुल सही टे है, इस वक्त तो सब सो भी गए होंगे। जल्दी से जाती हूँ कनिका आंटी का फोन ढूंढ कर उस विशाल के बारे में पता लगाती हूँ। इंसान मुझे चैन से सोने भी नहीं देगा। क्या है विशाल, ये कोई टाइम है किसी को कॉल करने का आधी रात को? तुम अपना दिमाग कहीं बेच आए हो क्या? आधी रात में आपको कॉल करने का कोई शौक नहीं है मुझे? और क्या है कि आज पार्टी में थोड़ी ज्यादा हो गई, तो मैंने सोचा आपको फोन करके बता दूं कि ड्राइव करके तो मैं हॉस्पिटल जाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं हूं, इसलिए अनलीश क्लब में अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करूंगा सारी रात। व्हाट, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या कहा था तुमने मुझसे कि तुम बस थोड़ी देर के लिए पार्टी करोगे उसके बाद हॉस्पिटल लौट जाओगे? तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ कि मैं तुम्हें ये सब करने के लिए अलाउ करूंगी? लिसन विशा,
अभी के अभी हॉस्पिटल के लिए निकलो, और वैसे भी ये अनलिस्ट क्लब हॉस्पिटल से ज्यादा दूर नहीं है, अभी निकलो वहां से। अब ये बात तो पक्की हो गई कि कनिका आंटी उस विशाल से मिली हुई है, लेकिन उसे हॉस्पिटल में छुपा कर रखने का क्या मतलब है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।